हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन बात करते हैं डीटीए ऑनलाइन डीटीएससी पेपर 6 में मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, देखो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा। द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी देन दी वर्ड सक्सेस अपियर एट दी सीरीज नंबर। मतलब एक तरीके से आपको क्या करना है कि जो सक्सेस वर्ड के लेटर्स हैं उनसे जितने भी वर्ड्स फॉर्म करोगे तो सक्सेस की पोजीशन आपको फाइंड करनी है। पोजीशन का मतलब उससे जब डिक्शनरी फॉर्म करोगे तो सक्सेस किस पोजीशन पे होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन शॉर्टकट में रैंक। आपको सक्सेस की रैंक करनी है फाइंड आउट। तो देखो जब भी किसी भी लेटर वर्ड्स की आपको रैंक को करना फाइंड आउट तो उसका क्या मेथड है, देखो SUCCESS। तो जब भी आपको रैंक फाइंड आउट करनी तो क्या करो, पहले आप इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो जो भी लेटर्स हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, CCESSU, ठीक है ना। ये आने के बाद अब देखो क्या करना है अपन को, जब आप डिक्शनरी फॉर्म करोगे अपन को सक्सेस पे जाना है। तो जो डिक्शनरी फॉर्म करोगे तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है, स्टार्टिंग का जो लेटर है या स्टार्टिंग का जो वर्ड्स है, मतलब सबसे पहले जो वर्ड्स फॉर्म करोगे वो किससे स्टार्ट होंगे, बोलो सी से। तो पहले क्या करते हैं अपन, सी को फिक्स करते हैं कि लेटर्स वर्ड्स विच स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर सी। तो सी को फिक्स किया 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 है, 2 4 6 7, ठीक है। तो सी को फिक्स किया, तो सी को फिक्स करने का मीनिंग है कि जितने भी वर्ड्स है वो बेटा सी से स्टार्ट होंगे। तो सी को फिक्स करोगे तो रिमेनिंग 6 लेटर को इन 6 पोजीशन पे रीसफल करने के मेथड क्या होंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मीनिंग क्या है, इसमें एस आपका 3 बार रिपीट है, ठीक है। तो ये कौन से वर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग एट लेटर सी, ये वो वर्ड्स हैं जो लेटर सी से स्टार्ट होंगे। अब उसके बाद अब देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सी के बाद दूसरी सी की बारी, नहीं, जो लेटर्स बनाओगे आप, जो वर्ड्स बनाएंगे वो या तो क्या होंगे, सबसे पहले डबल सी से स्टार्ट होंगे उसके बाद सिंगल सी से। आप देखो ना इसमें सारी चीजें हैं, जब आपने एक सी को फिक्स किया और रिमेनिंग नंबर को जो रीसफल करोगे तो जो सेकंड सी है वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है इधर, और वो बाद में भी आ सकता है। तो इसमें दोनों चीजें इनबिल्ट है कि सिंगल सी से और डबल सी से जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे काउंटेबल है इसमें। सी के बाद कौन होगा, ई, अगेन 1 2 3 4 5 6। वर्ड जब ई को फिक्स किया तो अब 2 सी और 3 एस आपके रिपीटेड होंगे, तो देन क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन, ये बात हुई सी की। ई के बाद किसकी बारी आती है, एस की। अब इसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन है, जब आप एस को फिक्स करोगे तब आप खुद देखो अपना जो वर्ड है उसमें भी एस आ रहा है, मतलब एस फिक्स हो गया। अब जो भी वर्ड्स बनाओगे वो इन लेटर्स से बनाओगे, रिमेनिंग लेटर्स से, मतलब एस को आप फिक्स कर दो। अब देखो उसका क्या मेथड है, आपने एस को फिक्स किया क्योंकि पहला लेटर आपको एस ही लाना है, तो एस को फिक्स करा तो बचा कौन, उसी ऑर्डर में लिखो दोबारा सी सी ई एस एस और यू। अब आपको करना है क्या है, एस के बाद यू तक जाना है, एस के बाद यू तक जाना है। इसका मीनिंग अपन को कौन से वर्ड्स चाहिए जो एस यू से स्टार्ट होंगे। तो जब एक एस को फिक्स किया तो अगले जो वर्ड्स हैं वो एस सी से स्टार्ट हो सकते हैं, तो एक बार एस सी को फिक्स करो, एस सी के बाद एस ई से स्टार्ट होंगे और फिर एक बार डबल एस से स्टार्ट होंगे। हाँ, दो लेटर को फिक्स करने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको कहाँ जाना है, एस यू तक। तो देखो एस सी को फिक्स किया तो 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन, बोलो बेटा। एस सी को फिक्स किया तो इसमें 2 एस रिपीटेड है तो ये लिख देना। सिमिलरली जब एस ई की बात करोगे तो एस ई को फिक्स किया तो 2 एस और 2 सी आपके रिपीटेड हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन, ठीक है, ये आ गया। ये अपन ने किसकी बात की थी, एक बार उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते, एस सी, ये तो एस सी था, ये एस ई से जो वर्ड्स आपके स्टार्ट होंगे। एस ई के बाद डबल एस से जो वर्ड्स स्टार्ट करोगे आप तो क्या होगा, अगेन एक एस को फिक्स किया तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि इस बार 2 सी रिपीटेड है। इसका मीनिंग क्या है, एस सी फिक्स किया, रिमेनिंग 5 लेटर को आपने अरेंज किया,
एस ई को फिक्स किया और एस एस को फिक्स किया, एस एस के बाद कौन होगा, एस यू से जो वर्ड्स आपके स्टार्ट होंगे। तो देखो एस यू मेरा फिक्स हो गया, अब ये नहीं कि दोबारा रिसफल कर दो, क्योंकि एस यू को रिसफल करने का मतलब वो तो सारे लेटर मिल जाएंगे आपको, सारे वर्ड्स। तो अब देखो क्या करना है, अगली बार क्या लिखो आप, आपने एस यू को फिक्स कर दिया क्योंकि अपना जो वर्ड्स है उसमें एस यू ऑलरेडी फिक्स है, इसको हटाओ। तो एस यू को फिक्स करोगे तो रिमेनिंग लेटर्स को लिखो सी सी, एस यू फिक्स हो गया ना, सी सी ई और ई के बाद डबल एस। और देखो ढंग से, जब आपने एस यू को फिक्स किया तो अगला लेटर किसको फिक्स करोगे, सी को, एस यू सी को फिक्स करेंगे। भाई एस यू तो फिक्स हो ही गया, एस यू को फिक्स किया तो अगला लेटर सी से स्टार्ट करोगे, अगला वर्ड एस यू सी के बाद। अब देखो एस यू सी को आपने एस यू सी को फिक्स किया, अपने वर्ड्स में भी एस यू फिक्स आ गया, फिर आप बोलोगे चलो अगले लेटर को फिक्स करो। तो सीधी सीधी बात ये, जब आपने एस यू को फिक्स किया तो अगला लेटर ये आ गया एस यू डबल सी ई डबल एस, मतलब अगला लेटर ही आपका आंसर होगा, दोनों लिख देते हैं। इसको सोल्व करो तो फैक्टर सिक्स की वैल्यू 6 × 120/6, तो ये आ गया 120, ये क्या आएगा 120/260 आ जाएगा, ये आपका वंस अगेन 60 आ गया ना 120/2, और ये कितना जाएगा 60/230 आ गया, और ये दोबारा आपका 60 आ गया। देखो क्या आंसर आएगा 60/60/60/180 और 120/300 और 30/330 और 1/331, मतलब डिक्शनरी जब फॉर्म करोगे तो सक्सेस की जो रैंक है वो क्या हुई 331। बोलो कोई डाउट किसी को, चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ वे पुटिंग 5 आइडेंटिकल वॉल्स इन 10 डिफरेंट बॉक्सेज व्हेन नो बॉक्स कंटेन मोर देन 1 वॉल, क्या मीनिंग इस क्वेश्चन का। देखो 10 डिफरेंट बॉक्सेज रखे हुए हैं, ऐसे B1 B2 B3 और B10, ये टोटल 10 बॉक्सेज हैं। आपको करना क्या है, 5 आइडेंटिकल बॉल्स को इन बॉक्सेज में पुट करना है और नो बॉक्स कंटेन मोर देन 1 बॉल, इसका मीनिंग क्या है, बॉल 5 है बॉक्स 10 है और नो बॉक्स कंटेन मोर देन 1 बॉल, इसका मीनिंग एक बॉक्स में मैक्सिमम एक बॉल आ सकती है। तो सिंपल सी बात ये, टोटल 10 बॉक्सेज हैं, बॉल मेरे पास 5 है, इसका मीनिंग आप एक एक बॉल तो पुट कर दोगे 5 बॉक्सेज में और रिमेनिंग 5 बॉक्सेज आपके क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। इसका सीधा मीनिंग क्या है कि 10 बॉक्सेज में से आपको ओनली 5 बॉक्सेज में एक एक बॉल को पुट करना है। तो क्या करें, 10 बॉक्स हैं तो 10 में से अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 बॉक्सेज का सिलेक्शन करने, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट है। ये हो गया 10 बॉक्सेज में से 5 बॉक्स का सिलेक्शन, NCR, यस सर। तो इसके बाद जो आपने 5 बॉक्स सेलेक्ट किए हैं उनमें इन 5 आइडेंटिकल बॉल को पुट करना है, तो किसी भी बॉल को किसी में पुट करो दिक्कत क्या है, क्योंकि ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल, तो उसको पुट करने का एक ही तरीका है। तो इसका आंसर क्या आएगा 10C5, तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो इसका आंसर क्या जाएगा 250। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है, चलो। उसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन 25 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्संस इफ ईच गेट्स ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या मीनिंग है इसका। आपको 25 आइडेंटिकल बॉल्स को या ऑब्जेक्ट्स को 5 पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये लोग X1, इसको नेम दे देते हैं X2, X3। अभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा दिखना चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड लगाना है, ये मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है या बेगर्स मेथड बोल सकते हो। 25 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपको 5 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने क्या किया, उन 5 पर्संस का नेम मान लिया X1, X2, X3, X4, X5। इसका मीनिंग क्या है, कुछ बॉल इसमें दोगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें, तो इन सबको जो बॉल्स दी जाएंगी उन सबका सम क्या होगा 25। तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। तो क्या आ गए, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस वट, क्वेश्चन एक कंडीशन बोली गई है,
कि ईच पर्सन गेट्स ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो क्या करोगे आप एक्स आई इक्वल टू लेट करो टू वाई आई प्लस वन, और वाई आई स्टार्टिंग फ्रॉम होल नंबर जीरो, क्योंकि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव को आप ऑड नंबर्स में वॉल्स दे सकते हो, एक तीन पांच सात। तो क्या होगा जब भी ऑड नंबर को लेट करना है तो क्या लेट करोगे टू एन प्लस वन, माइनस एन भी ले सकते हैं बट अगर माइनस लोगे तो एन को वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपन ने वाई आई को होल नंबर से स्टार्ट किया जीरो से, देखो ना जीरो पे वन आ गया, वन लोगे तो थ्री आ गया, मतलब एक्स वन को पुट करना है टू वाई वन प्लस वन, एक्स टू को टू वाई टू प्लस वन, तो जब ये वैल्यूज पुट करोगे तो क्या होगा टू वाई वन प्लस टू वाई टू, तो टू तो कॉमन आ गया सब में, और प्लस फाइव होगा और इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, फाइव को उधर शिफ्ट किया ट्वेंटी और टू से डिवाइड किया तो क्या आ गया टेन आ गया ना, ये आ गया आपके पास टेन, और वाई वन वाई टू वाई फाइव स्टार्टिंग फ्रॉम होल नंबर जीरो। तो आपको सबको पता होगा कि कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला एन प्लस आर माइनस वन सी, मतलब एक इक्वेशन है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 एक्स आर इक्वल टू एन के, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला एन प्लस आर माइनस वन सी आर। तो इसमें एन तो टेन हो गया और आर आपका फाइव है, तो पुट कर दो तो क्या आ गया टेन प्लस फाइव माइनस वन सी फोर, दिस इज फोर्टीन सी फोर। ठीक है ना, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1001, 1001। ठीक है ना, तो गुणा आप खुद करना बेटा। चलो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। देखो क्वेश्चन फोर में क्या बोला गया है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ए कार इज पार्क्ड बाय ए मैन अमंग 24 कार स्टैंडिंग इन ए रो, मतलब एक पर्सन को एक कार को पार्क करना है, खुद की कार को, एक 25 स्टैंड का रो बनी हुई है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक पार्किंग के अंदर 25 कार्स को रखने का अरेंजमेंट बना हुआ है, मतलब 25 स्टैंड बने हुए हैं, उनपे कारों को आप रख सकते हो, ये मीनिंग है। बट नॉट एट आइदर एंड, मतलब समझो इसमें होगा क्या, बेसिकली एक पार्किंग के अंदर टोटल 25 कार को पार्क करने की फैसिलिटी है उसमें, अब एक पर्सन को अपनी कार को उसमें स्टैंड करना है, तो क्वेश्चन कह रहा है बट नॉट एट आइदर एंड, मतलब जो वो पर्सन अपनी कार को उस पर स्टैंड पे पुट करेगा या रखेगा उसमें वो आइदर एंड का मतलब फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे उसको स्टैंड नहीं करना है। उसके बाद क्या बोला गया है, ऑन हिज रिटर्निंग दी ओनर फाइंड डेट्स, जब वो कार को रखने के बाद देखता है कि एग्जैक्टली 15 ऑफ 25 प्लेसेज आर स्टिल ऑक्यूपाइड, मतलब उन 25 प्लेसेज में से 15 प्लेसेज पे कार रखी हुई है। इसका मीनिंग क्या है कि जब उसने कार रखी होगी उससे पहले ऑलरेडी 14 कार रखी हुई है, ध्यान रखना इस बात को, ये बात है इसमें। ठीक है, चलो देन दी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ प्लेसेज नेवरिंग हिज कार आर एम्प्टी, मतलब जब वो पर्सन अपनी कार को रख के आएगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि उसकी जो नेवरिंग पोजीशन है उसके लेफ्ट और राइट की पोजीशन है उस पर कोई भी कार नहीं रखी हुई है। ठीक है, तो देखो उस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे अपन स्टैंड मान लेते हैं, ये एस वन स्टैंड है, टोटल 25 स्टैंड है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं सैंपल स्पेस की, फिर बात करेंगे देखो उसमें करना क्या है। आप ये इसको थोड़ा रिवर्स वे में देखना
कि 25 कार स्टैंड बना हुआ है, पहले अपन ने चलो अपनी कार खड़ी की, वो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उससे, तो आप अपनी जब कार को खड़ी करोगे तो कंडीशन क्या है कि वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे उसको स्टैंड नहीं कर सकते। इसका मतलब आप S1 और S25 को छोड़ दो तो करोगे क्या, रिमेनिंग जो पोजीशंस हैं वो कितनी है, 23, इन 23 में से किसी भी एक पोजीशन पे अपनी कार को स्टैंड कर दोगे। तो मैंने क्या किया, पहले 23 पोजीशन में से एक पोजीशन सेलेक्ट की जिसपे आपने अपनी कार को स्टैंड कर दिया, पहले कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब जो ऑलरेडी 14 कार रखी हुई हैं वो तो कहीं भी हो सकती है ना, वो आइदर एंड पे भी हो सकती हैं, उसको अपनी कार को खड़ी नहीं करना, उसके पास तो 23 ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया, पहले अपने अपनी कार खड़ी कर दी 23C1, उसके बाद आप उसको वैसे भी कर सकते हो कि पहले स्टार्टिंग में वो 14 कार को स्टैंड करो, तो उन 14 कार को स्टैंड करोगे तो उसमें 3 केस बनाने पड़ेंगे, हो सकता है उसमें से कोई भी एक कार इधर खड़ी हो ये वाला ब्लैंक हो, इधर खड़ी हो ये ब्लैंक हो, या दोनों के ब्लैंक हो सकते हैं, तो काफ़ी सारे केस बनेंगे, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, तो क्या किया आपने, 23 प्लेसेज में से एक प्लेसेज पे अपनी कार को स्टैंड कर दिया, चलो गलती से माना वो ये प्लेसेज, बची कितनी 24, सैंपल स्पेस की बात चल रही है, तो सैंपल स्पेस में क्या करना है, अब 24 में से कोई भी 14 पोजीशन सेलेक्ट करो, और सेलेक्टेड पोजीशन पे 14 कार को स्टैंड करने का मेथड क्या होगा, फैक्टोरियल 14। ये तो बात हुई सैंपल स्पेस की। फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है, जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी किस बात की बतानी है, कि जो पर्सन है जिसने अपनी कार को स्टैंड किया है, बहुत प्लेसेज नेवरिंग इज कार इज एम्प्टी, जैसे लेट आपने S3 पे कार को स्टैंड किया था, तो उसकी ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या रहनी चाहिए, खाली रहनी चाहिए, कुछ नहीं कह रहा आपसे। अपन को अपनी कार को फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे स्टैंड नहीं करना है, समझे, जो बाकी की 14 कार है वो कहीं भी स्टैंड हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझे मेरी। हाँ, तो क्या करो, पहले अपन अपनी कार को खड़ी करते हैं, तो अपनी कार को खड़ी करने के अभी भी वही ऑप्शन कि फर्स्ट और लास्ट पे तो खड़ी कर नहीं सकता मैं, ये तो ध्यान रखना ही है, इस बार दोनों चीज ध्यान देनी है आपको, फेवरेट किस में दोनों बात ध्यान देनी है, कि आप अपनी कार को फर्स्ट और लास्ट पे खड़ी नहीं कर सकते, और जहां भी खड़ी करोगे उनके लेफ्ट और राइट में भी एक स्पेस ब्लैंक होना मस्ट है। तो क्या करो, आप पहले 23 पोजीशन में से एक पोजीशन सेलेक्ट करो, उस पर अपनी कार को बैठा दो, चलो जो भी बैठा है। अब आप सुनो इसमें होगा क्या, बेसिकली इससे तो क्या, आप जैसे यही सुनो, माना आपने इधर ही बैठाई 23C1, माना यही पोजीशन है, तो मैं इधर और इधर कार को नहीं बैठा सकता, तो ये 3 पोजीशन हटाओ तो कितनी बची, 22 बची ना, तो 22 में से कोई भी आप 14 पोजीशन सेलेक्ट करो इनटू फैक्टोरियल 14। बोलो आया ना, कुछ बच्चों को डाउट लग रहा होगा, अगर आपने इधर बैठा दी तो क्या होगा, अब ये और इसको ब्लैंक छोड़ोगे तो पोजीशन तो अभी भी कितनी बची, 22C14 लिखना ही पड़ेगा, बोलो आया ना, बस सिंपल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आओ, ये कैंसिल, तो क्या आंसर जाएगा, 20C14 / 24C14, ऐसे करो सिंपल लगेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली देखा करो, PNC में क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, तो जब इसके गुणा भाग करोगे आप तो बेटा इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 15/92। ठीक है, चले उसके बाद देखो क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोला गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेट ABC बिलोंग्स टू R सच दैट नो टू ऑफ देम आर इक्वल एंड सेटिस्फाई दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन 24AX² + 4BX + C = 0 हैज एट लीस्ट 1√0 7/2, 1/2 7 up to 7। मतलब जब भी आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है और एटलीस्ट वन रूट की बात करे तो बेसिकली अपन यूज करते हैं रॉस थ्योरम को, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं एक बार इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके, देखते हैं कुछ रिलेशन मिलता है क्या। तो इस डिटरमिनेंट को सीधा ओपन करते हैं तो क्या लिखोगे, 2A (BC - 4A²), ठीक है बेटा, -B (BE²) - 2AC +C (2AB - C²) = 0, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके जब गुणा भाग करोगे तो देखो क्या होगा, ये आ गया 2ABC - 8A² 8AQ
माइनस बी क्यू प्लस वंस अगेन टू ए बी सी प्लस टू ए बी सी माइनस सी क्यू इक्वल टू जीरो। तो देखो एक काम करो ना, इन नेगेटिव वाले पार्ट को उधर शिफ्ट कर दो। तो नेगेटिव को उधर शिफ्ट किया तो क्या आ गया, एट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू आ गया टू टू फोर सिक्स ए बी सी। अब इसका क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो इसका मीनिंग क्या है। इस 8a का मीनिंग है 2a का ऑल क्यूब प्लस ये क्या है b का क्यूब, दिस इज c का क्यूब, और ये 3 अलग करके आ गया 2a इंटू। तो शायद आपने सबने पढ़ा होगा, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी हो, सॉरी देखो ढंग से, इसको आप a लेट कर दो, इसको बी लेट करो, इसको सी लेट करो, तो क्या आ गया थ्री बी सी हो गया ना, थ्री ए बी सी। तो याद होना चाहिए कि जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब आपका थ्री बी सी गिवन है, इंप्लाइज दैट इसका मीनिंग क्या होगा, या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। यस सर, तो क्वेश्चन ने ये तो मना किया गया, नो टू ऑफ देम आर इक्वल, तो ए बी सी इक्वल हो नहीं सकते। तो अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 2a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो b और c इक्वल हो जाएंगे ना, तो गलत हो जाएगा। तो ये केस तो नहीं लेना, तो ये केस लोगे कि a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो आ गया, इसका मीनिंग देन 2a प्लस बी प्लस सी आप जीरो लिख सकते हो। ये क्वेश्चन से कंडीशन पता चल चुकी है। अब इसकी हेल्प से अपन बात करते हैं इसके रूट्स की। तो देखो क्या करेंगे इसमें अपन, इसको हटा देते इधर से, देखो इसमें रॉस थ्योरम की हेल्प से इजीली कर पाओगे क्योंकि ये एबीसी में रिलेशन आ गया। और एक आपको बात पता है, आपको किस इक्वेशन की रूट की इंफॉर्मेशन पता नहीं है, 24 ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रॉस थ्योरम वो क्या बोलती है कि कोई भी फंक्शन है आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स, वो आपका ए टू बी में कॉन्टीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, देन एंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की इक्वल है, तो देन आप क्या बोलते हो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट इन सी बिलोंग्स टू ए टू बी। यस सर, मतलब रॉस थ्योरम अप्लाई तो करते हैं फंक्शन एफ एक्स पे, बट आपको जो रूट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसके लिए मिलती है, एफ डैश एक्स के लिए। आपको दिस इक्वेशन के रूट की इन्फॉर्मेशन की बात की एटलीस्ट, तो पहली बात तो ये सुनो, जब भी एटलीस्ट की बात की जाए तो आपको रॉस थ्योरम के बारे में सोचना है। उसके बाद रॉस थ्योरम अप्लाई कैसे करनी है, आपसे दिस इक्वेशन की रूट्स की इंफॉर्मेशन बतानी है, तो इसको क्या लेट करोगे, एफ डैश, क्योंकि रॉस थ्योरम अप्लाई तो करते हैं एफ एक्स पे बट रूट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है एफ डैश एक्स के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेट करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 24 ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 बी एक्स प्लस सी। तो इसको एफ एक्स लाने के लिए क्या करोगे, बहुत सारा इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 24 ए एक्स क्यूब अपॉन, दिस इज 8 ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, तो क्या हो जाएगा 2 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ये आ गया एफ एक्स। अब ये फंक्शन एक क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल आर ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशियबल, ये कॉन्टीन्यूअस भी होगा डिफरेंशियबल होगा, बस आपको ये देखना है कि एक्स की किन वैल्यूज पे एफ ओ पे और एफ ओ बी आपका इक्वल हो सकता है। तो देखो अपन ऑप्शंस की बात करते हैं, तो एक बार x को जीरो रखो तो f ऑफ जीरो आ गया d, एक बार एक ऑप्शन में 1 बाई टू गिवन है तो f को x को रखो 1 बाई टू, तो 1 बाई टू रहने पे आ गया a प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस। यस सर, ये करने के बाद जब आप इन तीनों में 2 कॉमन लोगे तो क्या आ गया 2a प्लस, और देखो बेटा ये वैल्यू आपकी जीरो है, 0.2 जीरो, तो कितना आ गया, मतलब एफ ऑफ 1 बाई टू मेरा डी आ गया और एफ ऑफ जीरो भी डी आ गया, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ हाफ इक्वल है। तो देन आप क्या बोलोगे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी है डिफरेंशियबल भी है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज एट लीस्ट वन रूट बिलोंग्स टू जीरो से हाफ, कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जीरो से 1 बाई टू के बिटवीन लाई करेगा, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चले तो ये रॉस थ्योरम को अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए सबको।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन सिक्स में क्या बोला गया बेटा, एक मैट्रिक्स गिवन है दिस पार्ट इक्वल टू 1001, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है, देन दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, मतलब आपको ये देखना है कि के की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है कि जब ये आपकी 1001 की इक्वल आ सकती है, तो इसमें क्या गुणा भाग करोगे आप, क्या करें इसमें, पहले इसका स्क्वायर करो फिर क्यूब करो, ऐसे करते रहो। तो देखो इसको एक काम करें, बार बार कौन लिखेगा इसमें, लेट करो 2π/7 को थीटा लेट कर दो, लफड़ाई खत्म हो जाएगा। तो अपन लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा ये ए आ गया। अब इसकी करते हैं पहले स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करने पे क्या आएगा देखो, सी माइनस एस एस सी, कौन लिखेगा बार बार, एक बार दोबारा लिख दो, सी माइनस एस एस, ठीक है ना, ये ए स्क्वायर आ गया। तो देखो उसको सॉल्व करने पे क्या होगा, जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, रो वाई कॉलम दिस को दिस से, तो सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा क्या होगा, कोस टू टीटा, और ये क्या आ गया एस स्क्वायर, अरे इसको इससे करो ना, पहले आर वन को सी वन से किया, ये आ गया आर वन को इससे किया माइनस सी एस माइनस एस सी, मतलब माइनस टू साइन टीटा कोस टीटा, तो यह जाएगा माइनस के साइन टू टीटा, वंस अगेन दिस को दिस से, तो एस सी प्लस सी एस द्वारा ये बन गया साइन टू टीटा, टू एस सी आ गया ना, और इसको इससे किया तो माइनस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज वंस अगेन कॉस टू टीटा, ये आ गया ए स्क्वायर। अब एक बार बात करते हैं ए क्यूब की, तो सिमेट्री दिख जाएगी बाद में। जब ए क्यूब की बात करोगे तो देखो ए क्यूब क्या होगा इसका, लिखते हैं इसको कॉस टू थीटा माइनस के साइन टू थीटा, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, ये आ गया ए स्क्वायर, और इनटू ए करो तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये ए क्यूब आ गया। तो अब क्या करना है देखो, ए क्यूब इक्वल टू रो वाई कॉलम, इसको इससे करो तो देखो क्या आएगा, सोचना थोड़ा केयरफुली, कॉस टू थीटा कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा साइन थीटा, देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो क्या जाएगा कॉस थ्री थीटा, और इसको करो वंस अगेन रो वाय कॉलम, आर वन को सी टू से किया तो आर वन को सी टू से करने पे जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कॉस थीटा, तो माइनस कॉमन लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, तो आ गया माइनस के साइन थ्री थीटा। ऐसी जब इसकी बात करोगे तो साइन टू थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, वंस अगेन साइन ए प्लस बी, तो आ जाएगा प्लस के साइन थ्री थीटा, और ये दोबारा जाएगा आपका कॉस, वही सेम आ गया कॉस थ्री थीटा। तो शायद आपको समझ में आना चाहिए, देखो ए था तो माइनस इधर आ रहा, बाकी सब कुछ प्लस है, थीटा 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 ए पे, जब ए स्क्वायर किया केवल दो आ गया, थीटा डबल हो गया बाकी सेम है, क्यूब किया तो थीटा ट्रिपल हो गया। तो देखो जब ऐसे ऐसे चलोगे तो ए की पावर एन की बात करो तो क्या जाएगा, कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, सिमेट्री से लिखा मैंने डायरेक्ट। अब आप देखो, आपको इस एन को लाना है 0101, तो कब आ सकता है, जश्न से हट जाए, तो देखो केयरफुली, 7 थीटा आपको 2π गिवन है, इसमें आप जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो एक काम करो, इसमें जब एन को 7 लोगे ना आप, एन को 7, अरे एन थीटा को मैंने टी मान लिया और पुट कर दिया एन को 7, तो एन को 7 पुट करो तो क्या गया, टी इक्वल टू 7 थीटा,
तो बेटा सेवन थीटा टू पाई आ गया ना, इसका मतलब टी मेरा टू पाई आ गया, और कॉस टू पाई की वैल्यू वन होती है, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो, तो क्या बन गए, वन जीरो जीरो वन। इसका मीनिंग एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सेवन होगी। एन को सेवन लेने पे जब ये आई आ गया तो उसके बाद तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो ना, आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वो ऑटोमेटिक आता रहेगा बाद में, ठीक है। चलो तो ये बोला गया इसमें, मतलब इसको आई लाने के लिए मिनिमम आपको देखो सेवन भी सही है, सेवन के बाद इसका आंसर फोर्टीन भी सही होगा क्योंकि दोबारा रिपीट करेगा इसको, ठीक है ना। तो अभी आपको मिनिमम वैल्यू की बात की तो इसका सेवन आंसर आपको फिल करना है। नेक्स्ट देखे क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेन्स दिस पार्ट इज, मतलब आपको टू प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन गिवन है तो बताओ उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी। इसका मतलब 100% अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं उस केस में मिनिमम डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, अगर टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग तो देन मिनिमम डिस्टेंस इज जीरो, तो सेकेंड ऑप्शन भी हो सकता है इसका, ठीक है। चले तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसको टू प्लेन करो उसमें सेपरेट, देखो ढंग से ये वाई और जेड में इक्वेशन है, ये क्या वाई और जेड में इक्वेशन है, तो एक मेथड तो क्या है मेरे पास, आप इसको वाई में क्वाड्रेटिक मान के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हो तो दोनों वैल्यू आपकी सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे ना वाई में क्वाड्रेटिक मानोगे तो क्या लगेगा, वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो देन जो रूट का पार्ट है वो 100% बनेगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बनेगा तो एक बार टेकिंग प्लस लोगे एक बार टेकिंग माइनस, तो आपको टू प्लेन की क्या मिलेंगी, सेपरेट इक्वेशंस। और दूसरी बात क्या है इस क्वेश्चन में देखो, इसको अपन फैक्टराइज कर सकते हो, एट वाई स्क्वायर एट वाई जेड प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस 26 वाई प्लस 13 जेड प्लस 15 इक्वल टू जीरो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जब आप टू कॉमन लोगे तो क्या गया, 4y स्क्वायर प्लस 4yz प्लस जेड स्क्वायर, तो देन देखो ढंग से, और इसमें फर्स्ट और सेकंड में 13 कॉमन लोगे तो क्या गया 2y प्लस जेड प्लस 15 इक्वल टू जीरो। इतना आने के बाद इसको केयरफुली देखो, दिस इज 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 13 2y प्लस जेड प्लस 15 इक्वल टू जीरो। देन क्या करना है, आप इस 2y प्लस जेड को लेट करो t, कि लेट 2y प्लस जेड को आपने t कंसिडर किया क्योंकि इट इज बिकम क्वाड्रेटिक इन t, तो देन 2t स्क्वायर प्लस 13t प्लस 15 जीरो, तो क्या आ गया देखो 15 दूना 30 10 और 30 30 10 और 3 जाएंगे इसके फैक्टर, तो क्या लगोगे 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 3t प्लस 15 जीरो, तो देन जब फर्स्ट और सेकंड में 2 ऑफ t कॉमन लोग क्या आ गया t प्लस 5, इसमें 3 कॉमन लोग तो वंस अगेन आ गया t प्लस 5, तो t प्लस 5 कॉमन लोग तो नेक्स्ट आ गया 2t प्लस 3, तो देन आप क्या बोल सकते हो, लिख लेते हैं 2t प्लस 5 इंटू सॉरी 2t प्लस 3 इंटू t प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो देन एक तो आ गया t इक्वल टू माइनस 5 और एक आ गया t इक्वल टू माइनस के 3/2, तो t की वैल्यू क्या पुट कर दो ना, तो एक प्लेन तो आ गया 2y प्लस z इक्वल टू t, तो प्लस 5 इक्वल टू जीरो, और सेकेंड प्लेन है वंस अगेन 2y प्लस z, इसको भी ले आओ तो प्लस, तो देखो ये बहुत प्लेन्स आर पैरेलल, तो टू पैरेलल प्लेन के बिटवीन शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी एच डी सी टू डी टू माइनस डी वन, तो 5 माइनस 3/2 का मोड अपन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कितना जाएगा 4 और 1 5, 5 माइनस 3 10, ये आ गया 7 अपॉन 2√5, ये इसकी क्या होगी दोनों के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसकी अकॉर्डिंग इसका बेटा
फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि जब रूट फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चले तो ठीक क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सोलह सोचना था कि अपन को टू प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन गिवन है तो उसको सेपरेट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया एक वेक्टर ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, देन दी वेक्टर आर वेक्टर सेटिस्फाइंग दी इक्वेशंस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस ए एंड आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो बताओ आर वेक्टर क्या होगा। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको करने के दो मेथड है, एक मेथड अभी देखते हैं, एक मैं आपको ओरली बोल दूंगा। आर क्रॉस ए इक्वल टू आ गया R क्रॉस A आ गया B क्रॉस A, यस कर सकते हैं R क्रॉस A इक्वल टू माइनस A क्रॉस B, और सेकेंड वेक्टर है R क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B, ठीक है ना। अब क्या करो दोनों वेक्टर को ऐड कर दो फटाफट से, तो ऐड करने पे क्या जाएगा R क्रॉस A प्लस R क्रॉस B इक्वल टू जीरो। तो जब R वेक्टर कॉमन लोगे तो क्या गए A वेक्टर प्लस, एक बात बताओ इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है, जब R वेक्टर इज पैरेलल टू दी A प्लस B, यस सर। और अगर दो वेक्टर पैरेलल तो आप क्या लिख सकते हो R वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिख सकते हैं। तो देन ये लेट किया तो आप क्या बोलोगे R वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A प्लस B। तो ए और बी को जब ऐड किया तो देन दिस इज थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये आ गया ना, ये आ गया आपका आर वेक्टर थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब आर वेक्टर आ गया, अब आपको चाहिए लैम्डा की वैल्यू। तो देखो एक बात सीधी में वाई ऑप्शन से समझ सकता हूं अभी तो, क्योंकि टाइम बचाना है मेरे को। लैम्डा की वैल्यू देखो, अपन को पता है लैम्डा कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो ये तो उसमें कॉमन आना चाहिए ना, तो ये कॉमन केवल थर्ड ऑप्शन में आ सकता है, फर्स्ट में कभी नहीं आ सकता भाई। सेकंड में अगर डाउट लग रहा था, देखो इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो थ्री आई के आगे माइनस बन जाएगा, देन इसका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और अब आपको चलो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, एक काम करना आराम से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर जाएगा आपका। क्या लिखोगे, जैसे फर्स्ट में पुट किया लैम्डा टाइम्स ऑफ थ्री आई के प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी आई के प्लस जे के इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो आपको बी वेक्टर को क्या करना है ए वेक्टर के साथ क्रॉस करना है, तो फटाफट कर देना क्योंकि छोटे छोटे से पार्ट है, टू आई के माइनस के कैप क्रॉस आई के प्लस जे के। ये करने से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप इजीली वैल्यू को कर पाओगे फाइंड आउट। बोलो आया ना, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करना है तो एक और मेथड है मेरे पास, देखो इन सबको लेफ्ट में ले आओ आप, तो लेफ्ट में लाओगे तो बाद में ये कॉमन आ गया ना आई प्लस जे, तो एक ही बार क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलो क्या आएगा, देखो ये आ गया थ्री लैम्डा आई के प्लस लैम्डा जे के माइनस के लैम्डा टाइम्स ऑफ के कैप, और उसको उधर लाओगे तो क्या आ गया माइनस के टू आई के प्लस के, अरे एक साथ कर दिया मैंने क्रॉस ये लो, ठीक है ना। तो क्या आ गया फाइनली थ्री लैम्डा माइनस टू आई के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे के माइनस लैम्डा माइनस वन इंटू के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप इक्वल टू जीरो। एक बार आई के साथ क्रॉस कर दो, कर लोगे ना तो आपको सीधा लैम्डा पटा फाइंड आउट हो जाएगा, और शायद मेरे अकॉर्डिंग इसमें लैम्डा की वैल्यू वन ही आएगी, ठीक है ना। तो आपका थर्ड आंसर मैच हो जाएगा, ठीक। एक सिंपल मेथड है, और एक मेथड और है वो आपके सॉल्यूशन में गिवन है, वो आपको देख सकते हो। चलो
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, ए वेक्टर है दिस पार्ट एक्स कोई भी रियल नंबर है इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अल्फा देन इट्स बिकम दिस पार्ट वेयर एक्स का वाई स्क्वायर आपको 1 गिवन है देन विच कैन बी ट्रू। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। चलो क्वेश्चन क्या है, एक वेक्टर इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2√ एक्स जे कैप प्लस के कैप। अब आप सब समझ पाओगे रूट एक्स है ना, तो एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इसने बोल दिया एक्स प्लस 2 बट एक्स आपका 0 से ग्रेटर होगा फिक्स है। और बाद में एक वेक्टर है बी वेक्टर इसको भी लेट कर देते हैं वाई आई के प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका ए वेक्टर था स्टार्टिंग में, फिर आपने इसको अल्फा एंगल से क्या किया रोटेट किया। तो अल्फा एंगल से जब आपने इसको रोटेट किया तो देन इट्स बिकम बी वेक्टर, बोलो है ना। तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो कौन बोलेगा। तो जब आप इसको अल्फा एंगल से रोटेट करोगे तो पहले तो इन दोनों के बिटवीन कोस अल्फा क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी, क्या होगा कोस अल्फा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। और मेरे को तो ये लग रहा है कि इसको आपने अल्फा एंगल से रोटेट किया तो ये बन जाता है, इसका मतलब दोनों की लेंथ सेम होगी, सीधी सीधी बात है क्योंकि उसकी लेंथ की कोई बात नहीं की है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा फिक्स होगा ना, मतलब आप सीधा बोल सकते हो ए वेक्टर का मोड इक्वल टू बी वेक्टर का मोड, समझे मेरी बात को, क्योंकि अल्फा एंगल से रोटेट करना है देन इट्स बिकम दिस पार्ट, इसका मीनिंग यही है इसमें कि दोनों की लेंथ बहुत केसेज में आपकी सेम होगी। तो मोड ए वेक्टर क्या होगा सीधे स्क्वायर कर दो, तो मोड ए स्क्वायर इक्वल टू मोड बी स्क्वायर, तो मोड ए स्क्वायर आ गया 4x प्लस 1 इक्वल टू इधर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, चलो 1 प्लस 1 से 1 प्लस चला गया तो क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हमको किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए ना, तो चलो वाई स्क्वायर को पुट कर दो 4x, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। अब एक काम करें इसको ऐसे लिखने में क्या बुराई है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, तो देन एक्स प्लस 2 आ गया प्लस माइनस के रूट 5, तो जब टेकिंग प्लस लोगे तो आंसर जाएगा रूट 5 माइनस 2, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस लोगे तो ये एक्स नेगेटिव में तो गलत हो जाएगा, ठीक है ये एक्स आ गया ना और एक्स की वैल्यू यहाँ रख देना तो आपको वाई पता चल जाएगा, तो वाई रख के देख लो क्या दिक्कत है, लो वाई क्या जाएगा प्लस माइनस 2 रूट एक्स और रूट एक्स इज रूट 5 माइनस 2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया, सिंपल क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वे टू गिव 16 डिफरेंट थिंग्स टू 3 पर्संस एबीसी, 3 पर्संस एबीसी में आपको 16 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को करना डिस्ट्रीब्यूट, शो दैट बी गेट्स 1 मोर देन ए, मतलब बी के पास ए से एक ज्यादा ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड सी गेट्स 2 मोर देन बी और सी के पास बी से 2 ज्यादा होना चाहिए, ये फिक्स है। तो देखो क्या करना है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग से एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो एक बात बताओ, ये सोल है ना एक बार सबको बराबर देते हैं अपन, अब एक ज्यादा लेना है तो जैसे आपने एक को ज्यादा इधर ले लिया तो इसमें 2 का डिफरेंस चाहिए तो उसको 4 लोग तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो मामला गलत हो गया। एक सिंपल सी बात ये, इस तरीके से लो इसको इससे एक ज्यादा और इसको इससे 2 ज्यादा, तो 5 5 और 5 लिया तो इधर घटाओगे तो बनेगा ना, इसको घटाते अपन, इसको 4 मान लो, इसको 5 9 और 7 16 हो गए काम, ये लो
तो इसमें क्या होगा, इसको दोगे आप फोर ऑब्जेक्ट, इसको फाइव, तो पाँच नौ और सात सोलह, ठीक है ना। बस तो क्या आंसर आएगा इसका, फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7, खत्म, ठीक है ना। तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका, ठीक है। चलो टेंथ के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, ए सर्किल इज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट्स एज शो इन द फिगर, नंबर ऑफ वे इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। इस ट्राइंगल वर्ड्स के लेटर्स को आपको इस सर्किल पे अरेंज करना है, सच दैट नो टू वोवल्स आर टुगेदर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर कंसीडर टू बी डिफरेंट, मतलब वोवल्स आर नॉट टुगेदर। तो एक काम करें, मतलब सिंपल सी बात ये कि टोटली 8 लेटर्स हैं, इनको सर्किल पे अरेंज करना है और कंडीशन है नो टू वोवल्स आर कम टुगेदर। तो वोवल्स को हटाओ, कौन है वोवल्स, आई ए और ई, तो बचे 5 लेटर। तो देखो इन 5 लेटर्स को एक सर्किल पे अरेंज करने के मेथड क्या होंगे, फैक्टोरियल 5 माइनस 1, क्या होंगे बोलो, फैक्टोरियल 5 माइनस 1, बोलो हाँ है ना। ये करने के बाद क्या होगा, जब इन 5 कॉन्सोनेंट को आपने अरेंज किया तो उनके बिटवीन वंस अगेन कितने गैप्स होंगे, 5 गैप्स। इन 5 में से 3 गैप आप सेलेक्ट करो और सेलेक्टेड 3 गैप्स पे 3 वोवल्स को अरेंज करने के मेथड फैक्टोरियल 3। तो क्या आंसर आ गया इसका, 5C3 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। तो इसी फॉर्मेट में दे रखा है, तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनी मॉडुलर एंड कोप्लेनर, ए बी सी 3 वेक्टर हैं जो जिनका मॉडुलस 1 है और वो यू कोप्लेनर है आपके, मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इक्वल टू, ये आपको 1 के बने, और अगर तीनों वेक्टर को प्लेनर हैं तो आप सबने पढ़ा होगा कि 3 वेक्टर्स आर को प्लेनर तो उनके डिटरमिनेंट से बनने वाली वैल्यू 0 होगी या फिर उनका बॉक्स ऑफ एबीसी 0 होगा। देखते हैं इसकी गुजरत होगी क्या, इनका जो बॉक्स एबीसी है वो क्या होगा, 0। ये लिखने के बाद क्या बोला गया, ए यूनिट वैक्टर डी वैक्टर, डी वंस अगेन एक यूनिट वैक्टर है, एक परपेंडिकुलर टू दी दैम, मतलब डी वैक्टर ए बी सी के परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या देखो एक बार, जैसे लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ए बी सी आपके कोप्लेनर में है और डी वेक्टर आपका ऐसे परपेंड, ये डी वेक्टर है आपका, ध्यान रखना इसको, देखते हैं इसका यूज क्या होगा। और एक रिलेशन गिवन है उसको लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी आपको गिवन है, आई के बाई 6 माइनस जे के बाय 3 प्लस के बाय 3। तो आपको एंड बोला गया ए वेक्टर बी वेक्टर के बिटवीन एंगल 30, तो देन फाइंड सी वेक्टर। सुनो ए बी सी कोप्लेनर है, डी वेक्टर ए बी सी के परपेंडिकुलर है, ये रिलेशन गिवन है, और ए और बी के बिटवीन एंगल 30 डिग्री है, तो आपको बेटा सी वेक्टर को करना फाइंड आउट। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, करें स्टार्ट इसको, इसको यूज करो पहले आप, जैसे इधर आओ, इसको तो लेट करते हैं फर्स्ट, इसको लेट करते सेकेंड, इसको लेट करते थर्ड, तो आप यूज करो क्रॉस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होगा, फर्स्ट को थर्ड के साथ डॉट करो, तो ए क्रॉस बी डॉट डी, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, सी वेक्टर माइनस फर्स्ट को सेकेंड के साथ डॉट, तो क्या आ गया, ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी वेक्टर, और राइट साइड दोबारा लिख देना। तो देखो ये क्या है, ए क्रॉस बी डॉट डी बॉक्स ऑफ ए बी डी, ये बॉक्स ऑफ ए बी डी है आपका, और ये देखो ये बॉक्स ऑफ ए बी सी है, और बॉक्स ऑफ ए बी सी आपका 0, हटाओ उसको, तो क्या रह गया पार्ट, ए क्रॉस बी डॉट डी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल टू समथिंग जो भी है, आई के बाय 6 माइनस जे के बाय 3 प्लस के बाय 3, ये आ गया ना, मेरे को बताना सी वेक्टर, इसका मतलब इसको गायब करना और क्या है, इसी को तो गायब करना है ना, तो थोड़ा केयरफुली देखना एक बार, इसको हटा देते इधर से,
देखो इसमें क्या होगा बेसिकली, इधर देखो सभी विद्यार्थी, देखो ए क्रॉस बी का डी के साथ डॉट करना है। जैसे लेट टू वेक्टर है आपके, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, मोड पी मोड क्यू कॉस एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ये लिखते हैं ना अपन। तो जब ए क्रॉस बी डॉट डी करो, इसका मीनिंग क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मोड, डी का मोड और कॉस एंगल बिटवीन देम। तो देखो लिखते हैं इसको, मोड ऑफ ए क्रॉस बी मोड ऑफ डी कॉस एंगल बिटवीन देम, मतलब ए क्रॉस बी का डी के साथ एंगल लिखोगे और इसको लिख देना साथ में। तो देखो सीधी सीधी बात है, ए क्रॉस बी का मोड दोबारा क्या आ गया, मोड ए मोड बी साइन थीटा, और क्वेश्चन में ए और बी के बिटवीन एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आ गया मोड डी। और बच्चों इसको देखो केयरफुली, ए क्रॉस बी का डी के साथ एंगल, ये डी वेक्टर आपका ए बी सी के परपेंडिकुलर है और ए बी सी आपके एक प्लेन में। तो देखो जब ए का बी के साथ क्रॉस करोगे तो वो डी वेक्टर के क्या जाएगा, पैरेलल, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर, इसका मतलब दोनों के बिटवीन एंगल 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, खत्म। तो सीधा क्या गया, ये वन ये वन ये वन, और सी वेक्टर कहां चला गया, वो सी वेक्टर लिखना साथ में इनटू, तो देन आपका ये 0 1 हो गया, ये सब कुछ बने, तो सीधा आ गया सी वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लिख दो जो भी है, आई के बाय 6 माइनस जे के अपॉन 3 प्लस के के अपॉन 3, चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो देन आपका सी वेक्टर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो एक ठीक क्वेश्चन था, चलो हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है आपको अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर गामा वेक्टर गिवन है और एबीसी तीनों वेक्टर गिवन है, देन वॉल्यूम ऑफ दी पैलो पाइप विथ को टर्मिनस एजेज एज अल्फा बीटा गामा। तो आपको पता होगा पैरलो पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, जिसकी एजेज कौन है, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर गामा वेक्टर का बॉक्स, और उसके बाद वी आ गया, अल्फा वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस सी, और ये तो इसको सिंपलीफाई कर सकते चाहो तो, दिस डॉट दिस क्रॉस दिस कर सकते हैं ना। तो मैं तो बोलता हूँ ये हमेशा याद होना चाहिए, जब भी ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए का बॉक्स है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर आ गया, खत्म। तो देन क्या करो, इसके वॉल्यूम के लिए ए बी सी से जो डिटरमिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू निकाल दो, 1 2 0, अगली क्या है 0 2 3, और अगली है 3 0 1 का स्क्वायर। जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 20, तो 20 का स्क्वायर आंसर इज 400 आंसर जाएगा। तो देन इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना, चलें इस तरीके से करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये याद रखें यूजफुल रिजल्ट डायरेक्ट, टाइम बच जाएगा, और यदि ये हो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए तो फिर क्या आंसर आता है, टू बॉक्स ऑफ ए बी सी, फिर मल्टीप्लाई में आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी सी एस ऑफ टू लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस कॉमा दिस, इफ दी एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, देन ए इज इक्वल टू, क्या बोला गया, टू लाइन्स है जिनके डी सी एस गिवन है आपको, एल वन लाइन के डी सी एस गिवन है 2 -1 2, एंड एल टू लाइन के डी सी एस गिवन है आपको, डी सी एस में तो लो मतलब डी सी एस इनकी प्रपोर्शनल, मतलब ये डी आर एस गिवन है आपको, है ये ए 3 एंड 5। अब लाइन एल वन और एल टू के बिटवीन आपको एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो देन फाइंड ए, तो दो लाइन गिवन है आपको 3D की, तो उनके बिटवीन एंगल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस
वी वन वी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट ऑफ सिग्मा ए वन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ए टू स्क्वायर। तो क्या जाएगा कॉस 45 तो आ गया 1/√2, थीटा कितना 45 डिग्री, इक्वल टू ए वन ए टू टू ए प्लस वी वन वी टू माइनस थ्री प्लस टेन अपॉन रूट ऑफ सिग्मा ए वन स्क्वायर। तो 4, 8, 9 तो 9 आ गया रूट का और ये आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 25 और 9 34, ठीक है ना। तो क्या करना है इसकी बोथ साइड कर देना स्क्वायरिंग। तो जैसे ही आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा सॉल्व करने पे एक तो ए 4 आता है, एक आपका माइनस की 52 ऐसे कुछ आएगा, याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है ना। तो गुणा भाग खुद करो तो ए 4 होगा, एक ए नेगेटिव में आएगा, तो अभी ऑप्शन में एक ही गिवन है तो ए इसका 4 आंसर जाएगा, ठीक है। चलें उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, पढ़ो। कंसीडर दी पॉइंट दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और 2 स्टेटमेंट गिवन है ए एंड बी। स्टेटमेंट ए तो क्या बोला गया, दी 3 पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म दी वर्टेक्सेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर एनी रियल वैल्यू जो पे ए कुछ भी हो, ये तीनों क्या करते हैं एक ट्रायंगल के वर्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वो ट्रायंगल कौन सा बोला गया है इक्विलेटरल। और सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स इज इनडिपेंडेंट ऑफ ए। तो ऑप्शन बोले गए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, ओनली ए ओनली बी बोथ ए एंड बी नाइदर ए और बी। मतलब आपको देखना ही पड़ेगा दोनों ऑप्शन को कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट। सिंपल सी बात ये है, क्या करें अपन, ये लेट एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है, इनको लेट कर लेते हैं ए बी सी। ए लेट कर दो ए माइनस वन ए कोमा ए प्लस वन, पॉइंट बी लेट करो ए कोमा ए प्लस वन कोमा ए माइनस वन, और सी पॉइंट लेट करो बेटा ए प्लस वन कोमा ए माइनस वन कोमा ए। अब अपन इनके बिटवीन डिस्टेंस की बात करते हैं, ए बी डिस्टेंस क्या होगी रूट ऑफ दिस स्क्वायर या दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो वन आ गया, ये दोबारा वन आ गया और ए 4 आ जाएगा, ए तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या आ गया रूट 6 आ गया। चलो देखते हैं, ऐसी बी सी की बात करो क्या आएगा, दिस माइनस ए 1 आ गया, दिस माइनस दिस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये दोबारा 1 का मतलब ये 1 आ गया रूट 6 आ गया। चलो एक बार सी और देख लो, मतलब आई सी तो आंसर आ गया इसका, सी ए का मतलब दिस माइनस दिस, तो ये वंस अगेन क्या आ गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर दोबारा 1 आ गया, तो मतलब ये भी रूट 6 आ गया। इसका मीनिंग ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल तो देन ट्राइंगल इज आई इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए चाहे कुछ भी हो क्योंकि ये ए से इनडिपेंडेंट लेंथ है, तो ट्राइंगल आ गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ट्राइंगल अगर आपका इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ये पढ़ा होगा सबने। तो साइड कितनी है मेरी रूट 6 का स्क्वायर 6 आ गया, तो देन आंसर आ गया 3√3/2। जब साइड आपकी ए से इंडिपेंडेंट है तो एरिया भी 100% इंडिपेंडेंट होगा चाहे ट्रायंगल कोई सा भी हो। भैया अब तीनों साइड अगर ए से इंडिपेंडेंट आती है किसी भी ट्रायंगल में तो आप उसका एरिया किससे निकालते हो, रूट ऑफ हीरोज फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना। तो वो आपका ऑलवेज क्या होगा ए से इंडिपेंडेंट। तो अभी बहुत ऑप्शंस आर करेक्ट या बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो देन इसका थर्ड ऑप्शन आपको फिल करना है। चलो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, क्या बोला गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट दिस पार्ट ए बी सी आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो देखते हैं, एक रिलेशन गिवन है आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन रूट टू, ठीक है ना। तो आपको ए और बी के बिटवीन एंगल की बात की गई, तो देखो क्या करें, पहले इसका करो क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट इनटू बी वेक्टर माइनस फर्स्ट का सेकेंड के साथ डॉट इनटू सी वेक्टर, और ये आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन रूट टू। अभी आपको पता होगा आप बी वेक्टर के कोफिशिएंट को बी वेक्टर से कंपेयर कर सकते हो और सी वेक्टर के कोफिशिएंट को सी वेक्टर से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ए बी सी तीनों आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। जैसे अपन आई को आई से कंपेयर करते हैं, जी को जी से, के को के से, कब करते हैं, क्योंकि आई
जे के, ये सारे के सारे क्या नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं आपके। तो बी वेक्टर को कंपेयर किया क्या गया ए डॉट सी इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो देन ए बी सी तीनों आपके यूनिमॉड्यूलर बोले गए, तीनों क्या यूनिमॉड्यूलर हैं, तो क्या गया मोड ए मोड सी कॉस थीटा, मोड ए मोड सी कॉस अल्फा वन बाई रूट टू, ये वन है तो कॉस अल्फा की वैल्यू वन बाई रूट टू कब होती है पाई बाई फोर पे, मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर के बिटवीन एंगल तो आ गया पाई बाई फोर, बट इसने क्या पूछा ए और बी के बिटवीन एंगल, तो जब सी वेक्टर के कोफिशिएंट को आप कंपेयर करो क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट वंस अगेन ए वेक्टर का मोड वी वेक्टर का मोड कॉस बीटा इक्वल टू माइनस के वन बाई रूट टू, ये दोबारा वन है तो कॉस बीटा की वैल्यू माइनस के वन बाई रूट टू कब होगी जब बीटा मेरा क्या होगा थ्री पाई बाई फोर, तो देन बेटा ए वेक्टर एंगल बी वेक्टर कितना जाएगा बोलो थ्री पाई बाई फोर, तो देन इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है चलें नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए गिवन है, पी ए अपॉन बी गिवन है, पी बी अपॉन ए गिवन है, तो बताओ पी ए अपॉन बी बार की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, फॉर्मूली बेस्ड क्वेश्चन है। पी ऑफ ए आपका 1 बाई 4 है, पी ऑफ ए अपॉन बी आपको गिवन है 1 बाय, तो चलो एक बार इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू वन बाई थ्री, हाँ है ना, और एक क्या गिवन है अगेन पी बी अपॉन ए जो वन बाई टू, तो इसको क्या लिखोगे बोलो पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, हाँ है ना, तो पी ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो पी बी इंटरसेक्शन ए क्या आ गया बोलो पी ए वन बाई एट आ गया लो, और इसमें जो वैल्यू पुट करोगे इसकी पी ए अपॉन बी के इंटरसेक्शन की वैल्यू वन बाई एट है, तो इससे पी वी कितना जाएगा बोलो थ्री, इधर आ गया तो ये आ गया थ्री बाई एट, पी ए पी वी पी इंटरसेक्शन सब आ चुके अपने पास। ये आने के बाद आपसे जिसकी वैल्यू पूछी हुई इसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए अपॉन बी बार, तो वंस अगेन इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार, तो अब ये सीधा पता होगा आपको, देखो ये ए है आपका ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब ओनली ए, तो ओनली ए का मीनिंग क्या होगा पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बार का मीनिंग वन माइनस पी बी, देखो सबकी वैल्यू पता है पी ए कहाँ चला गया वन बाई फोर, इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया वन बाई एट, और पी वी कितना है थ्री बाई एट, तो वन में से घटाओगे तो फाइव बाई एट, तो कितना आ गया आठ माइनस चार दो, या आठ एलसीएम लो ना तो वन बाई एट कोमा अपॉन फाइव बाई एट, तो इसका आंसर क्या आएगा वन अपॉन फाइव, तो फर्स्ट आंसर जाएगा। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया, आउट ऑफ दी 21 टिकट्स मार्क्ड विद नंबर 1 to 21, मतलब 21 टिकट्स हैं, एक पे नंबर वन है, वन लिखा हुआ है, एक पे नंबर दो, एक पे तीन, एक पे 21, थ्री टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से थ्री टिकट को आपको रैंडमली ड्रॉ करना है, देन दी प्रोबेबिलिटी दैट दी नंबर्स ऑन देम आर इन एपी, जो नंबर्स है वो आपके किस में होनी चाहिए एपी में, तो देखो क्या करना है, लेट आपने थ्री का ड्रॉ की एबीसी, तो वो किस में होनी चाहिए एपी में, तो कंडीशन क्या लिखोगे टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, जो आपने थ्री कार्ड्स ड्रॉन किए उन पे नंबरिंग मान ली मैंने लेट एक कार्ड पे नंबरिंग ए है, सेकंड पे नंबरिंग बी और थर्ड पे नंबरिंग सी है, तो ये जो थ्री नंबर्स हैं ये आपके एपी में होंगे, तो टू बी इक्वल टू आगे ए प्लस सी, ये लिखने के बाद सबसे पहले देखो
इसका सैंपल स्पेस क्या है, 21 कार्ड में से 3 कार्ड का सिलेक्शन, तो 21 C3 आ गई है सर। उसके बाद अब आपको इस पे काम करना है, देखो फेवरेबल केस के लिए आपको गिवन है 2B इक्वल टू A प्लस C, थोड़ा केयरफुली देखना, बी चाहे कुछ भी हो 2B की वैल्यू आपकी इवन होगी, तो ये इवन है तो ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, इवन। तो बेटा दो नंबर का सम इवन कब आ सकता है, जब बोथ नंबर्स आर इवन और बोथ नंबर्स आर ऑड, या तो दो नंबर इवन लेट करोगे दो नंबर ऑड लेट करोगे, तो देखो क्या आएगा, फेवरेबल केस 1 से 21 तक टोटल 10 कार्ड तो इवन होंगे और 11 कार्ड आपके ऑड होंगे। अब आप टेंशन मत लेना, देखो तो फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है, आपको ए और सी को सिलेक्ट करना, दो कार्ड सेलेक्ट करने जो दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, तो कितने होंगे 10C2। तो ये तो आ गया ए और सी को लेने के तरीके 10C2, कोई भी दो इवन कार्ड लो। अब बच्चों को लग रहा है इस बी का क्या करोगे, देखो मेरी तरफ, आप कोई भी दो इवन नंबर लोगे ना तो बी की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, तो बी को लेने का एक ही तरीका होगा। अरे यार दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमेशा फिक्स होगा ना, जैसे आपने, समझाता हूँ एग्जाम्पल से, आपने ए को तो लिया 2 और सी को लिया माना 6, तो बी कितना आ गया 4 आ गया ना, तो बी 4 फिक्स है, एक ही ऑप्शन है। जब आपने ए और सी को फिक्स कर दिया, दो इवन नंबर फिक्स कर दिए कोई भी, तो बी को लेने का एक ही ऑप्शन, तो इनटू में आएगा 1। और सेम इसमें होगा कि 11 में से कोई भी दो लोगे, उस केस में भी बी को लेने का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन ऑलवेज फिक्स होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिंपल स्पेस तो आ गया 21C3 और फेवरेबल केस आ गया 10C2 + 11C2। इसको सोल्व कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करने पे इसका थर्ड ऑप्शन आता है 10/133। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार थ्रो करना है, एंड सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जेक्ट 2B6। आपने एक डाइस को दो बार थ्रो किया तो उन पे जो नंबर्स है उनका सम आपको क्या मिलता है, 6 आता है। देन दी प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, मतलब दो बार थ्रो करने पर डिजिट 4 कम से कम एक बार तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सैंपल स्पेस की। इसमें सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑफ डैमेज 6, कि वन डाइस को ट्वाइस बार थ्रो करने पे उनका जो समय वो 6 आना चाहिए। तो देखो सम 6 कब कब आ सकता है, 6 लाना है, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 2 और दोबारा आ जाएगा 1 के साथ 5। ये टोटल 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है डाइस का सम, एक डाइस को दो बार थ्रो करने पे दोनों का सम 6 आ सकता है। और फेवरेबल केस का मीनिंग क्या बोला गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फेवरेबल केस का मीनिंग बोला गया कि दो बार जब आपने थ्रो किया तो एटलीस्ट 1 टाइम तो 4 आना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 टाइम मतलब सेकेंड बार 4 आ जाए या फर्स्ट टाइम 4, दोनों पे 4 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि फिर तो सम 8 होगा, 8 में ये बन जाता। 8 अगर पूछे कि दोनों का सम 8 आए तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टाइम्स 4 आकर, तो 3 होंगे, 2 के साथ 4, 4 के साथ 2, सॉरी 4 के साथ 4 होगा या 6 के साथ 4 या ना, इसमें एक ही केस बनेगा क्योंकि 8 लाने का एक ही ऑप्शन होगा 4.4, बाकी किसी के रिश्ता नहीं आ सकता, ठीक है ना, वो देख लेना जो भी है। तो अभी इसमें 2 ऑप्शंस हैं, 2 4 एंड 4 2, तो इस केस में
इसका सैंपल स्पेस में तो टोटल 5 ऑप्शंस है और फेवल केस में 2 ऑप्शन है, तो क्या आंसर जाएगा इसका 2/5। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया, ये भी सिंपल है। फ्रॉम दी फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड, दी प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ देम सेलेक्टेड नंबर इज इवन। ये तो सोचना पड़ेगा कि जो आपने 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो चलो देखते हैं एक बार। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। 1 से 20 तक आपको थ्री नंबर को सेलेक्ट करना है, तो सैंपल स्पेस तो सीधा आएगा 20C3, खत्म। 3 नंबर सेलेक्ट किया आपने तो 20C वैसे ले सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद अगला काम क्या है कि जो 3 नंबर हैं आपके लेट ABC, उन 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो देन उनका प्रोडक्ट करोगे आप, तो वो इवन आना चाहिए। इवन का मतलब यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर आना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो देखो क्या हो सकता है, जो आपके 20 नंबर्स हैं, सिंपल सी बात देखना, जब आप देखो 10 नंबर तो इसमें इवन है और 10 नंबर ही आपके ओड हैं। और नंबर कौन है, 1, 3, 5, 7, 9 लिख देते हैं, 13, 15, 17, 19। इसमें से किसी को किसी से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे कभी इवन नंबर आ नहीं सकता, इवन नंबर केवल इससे आ सकता है। तो देखो क्या क्या हो सकता है, देखो इसमें क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब इवन नंबर लाना है तो देखो इवन नंबर किस आ सकता है, इसमें से आपने 2 लिया, उसमें से कौन ले लो, 5। अरे आपको मल्टीप्लाई इवन लाना है तो कोई भी नंबर हो ना, इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आंसर इवन ही आता है। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सी बात है, फेवरेबल केस में क्या हो सकता है, या तो तीनों की तीनों नंबर इनमें से लो आप तो 10C3 आ गया, या फिर 2 नंबर इधर से लो और 1 इधर से ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, फिर भी मल्टीप्लाई आपका इवन होगा। तो 10C2 × 10C1, या फिर 1 नंबर इवन ले लो, 2 और ले लो, फिर भी मल्टीप्लाई क्या होगा इवन। इसको सॉल्व कर देना तो देन आपका क्या जाएगा, फेवरेबल केस, ठीक है ना। सैंपल स्पेस आपका 20C3 है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, दिस अपॉन दिस, तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 17/19, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन डी की। देखो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए इज ए रियल कांस्टेंट, एबीसी आर वेरिएबल एंगल्स, कैपिटल एबीसी आपके वेरिएबल्स एंगल्स है और एक कंडीशन गिवन है आपको, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 10² a + 10² b + 10² c। चलो देखते हैं क्या करना है, इसको लिखते हैं एक बार अपन। कंडीशन क्या है, रूट ऑफ a² - 4 × 10a + a·10b + √a² + 4 · 10c = 6a। ये कंडीशन गिवन है आपको, 10² a + 10² b + 10² c की लीस्ट वैल्यू को करना है कैलकुलेट। अब देखो क्वेश्चन देखने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है वेक्टर से। इसमें क्या करना है, 2 वेक्टर आपको लेट करने, एक वेक्टर तो क्या लेट करो, ये कोफिशिएंट से बनने वाला ए वाले पार्ट से, और एक वेक्टर लेट करो 10a, 10b, 10c से बनने वाला। तो क्या करना है, ए वेक्टर तो लेट किया मैंने, a² - 4 √i अभी दिख जाएगा ऐसा क्यों किया गया, प्लस aj + √, कभी कभार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए वैक्टर मेथड भी काफ़ी हेल्पफुल होगा,
ये मैंने ए वेक्टर लेट किया, फिर एक बी वेक्टर लेट किया, टेन ए आई के प्लस टेन बी जे के प्लस टेन सी की के। तो देखो थोड़ा देख पाओगे आप, जब आप ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो आई को जे को जे से के को के से, तो अपना क्वेश्चन आ गया ना, और ये किसके इक्वल आ गया, सिक्स ए के इक्वल। और बेटा देखो मोड भी करोगे तो क्या आएगा, इसका मोड भी क्या होगा, रूट टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी टेन स्क्वायर सी, मतलब जिसकी वैल्यू बतानी वो भी चीज मिल जाएगी इससे। और एक बात आप सबने पढ़ी होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोड ए मोड बी कॉस थीटा ए और बी के। और अपन जानते हैं कि कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन, तो देन जब आप इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ए मोड बी पॉजिटिव है ना, इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ये बता दे रहा हूँ अदरवाइज याद रखनी चाहिए, दिस इज ए डॉट बी। तो क्या गया, ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मोड ए मोड बी, फिक्स है, ऑलवेज ट्रू होगा। क्या करें अपन, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज करोगे तो ए डॉट बी तो आ गया सिक्स ए लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा, रूट ऑफ इनका स्क्वायर, करो इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस फोर, तो कितना आ गया थ्री, ए स्क्वायर रूट ऑफ आ गया टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी। तो देखो ए से ए चला गया तो क्या आ गया सिक्स रूट थ्री, तो स्क्वायर कर दो तो छत्तीस लेस देन थ्री टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी। तो डिवाइड करने पे क्या जाएगा, सिग्मा टेन स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेल्व, तो देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्वेल्व से ग्रेटर होगी। ठीक है चले, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलें उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, एक प्लेन गिवन है पी वन इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन ऑफ दिस पार्ट। मतलब पी वन प्लेन को क्या करना है, पी वन और पी टू प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन है, क्योंकि दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन है, उस लाइन की अबाउट उसको रोटेट करते हो। इफ द प्लेन थस ऑब्टेन, हाँ राइट एंगल से रोटेट किया, तो जो राइट एंगल से रोटेट करने से जो न्यू प्लेन आपका फॉर्म्ड होगा, उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है आपको रूट के, तो बताओ के माइनस 200 की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको P1 प्लेन गिवन है, उसको लिखते हैं 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 इक्वल टू, ये तो P1 प्लेन गिवन है, यस सर। और एक P2 प्लेन गिवन है वंस अगेन, कितना 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस के 25 0। अब आपको क्या करना है, P1 प्लेन को P1 P2 की इंटरसेक्शन लाइन से 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना है। तो थोड़ा इसको अलग वे में समझना, टू प्लेन का इंटरसेक्शन आपकी एक लाइन है, तो इस ये P1 है ये मेरा P2 प्लेन है, तो इनकी इंटरसेक्शन लाइन लेट ये, तो इस लाइन के अलोंग आपको इस P1 प्लेन को 90 डिग्री से रोटेट करना है ऐसे यू, तो इसको लाइन के अलोंग बोलो, या फिर क्या करो P1 P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक प्लेन लिखो आप, P1 P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला क्या लिखो, प्लेन लिखो आप, तो उसके अलोंग रोटेट करो, फर्क क्या पड़ेगा, वही बात होगी ना। तो इसमें यही करना है, मतलब सीधी ये बात समझ सकते हो कि लेट, दोबारा सुन लो, ये P1 और P2 प्लेन है, आपको इस P1 प्लेन को P1 P2 के इंटरसेक्शन लाइन है उसके अलोंग इसको रोटेट करना 90 डिग्री एंगल से। तो क्या करें, ये P1 प्लेन है ना, और P1 P2 का जो इंटरसेक्शन है उससे एक प्लेन लेट कर दो P1 प्लस लैम्डा P2 जीरो, और ये मान लो कि लेट आपने इस P1 प्लेन को रोटेट किया, तो सेकेंड प्लेन कौन सा प्राप्त फाइंड आउट हुआ, P1 प्लस लैम्डा P2 जीरो, समझे। तो क्या करना है इसमें, P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन क्या होगा, मतलब मैंने इसको ऐसे समझाया है, ये P1 था ये P2 था, ये इनका इंटरसेक्शन है, तो इस P1 प्लेस को इस लाइन के अबाउट आपने रोटेट किया यू 90 डिग्री से, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, तो इस प्लेन को जब 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये क्या होगा, ये प्लेन आपका इस P1 P2 के इंटरसेक्शन से तो पास होगा ना, तो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन आ गया P1 प्लस एम दा P2 जीरो, और ये प्लेन आपका P1 के साथ परपेंडिकुलर है,
तो दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं, लिख सकते हैं कि लेट दिस प्लेन, इसको नेम दे दो पी थ्री प्लेन, पी थ्री परपेंडिकुलर टू दी पी वन। तो पहले पी थ्री प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं अपन, वैल्यू पुट कर दो 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो इसमें से जब x कॉमन लोगे तो क्या गया 4 प्लस 5 लैम्डा इंटू x, y कॉमन लोगे तो 7 प्लस 3 लैम्डा इंटू y, और z कॉमन लोगे तो 4 प्लस 10 लैम्डा इंटू y, सॉरी जेड, और लास्ट पार्ट इज 81 माइनस 25 लैम्डा इक्वल टू जीरो। ये आपका आ गया पी थ्री प्लेन, और पी थ्री परपेंडिकुलर टू दी पी वन, क्योंकि आपने पी वन प्लेन को ही 90 डिग्री से रोटेट किया है। तो न्यू पोजीशन में आपको कौन सा प्लेन फाइंड आउट हुआ, पी थ्री। तो पी वन पी थ्री की परपेंडिकुलर है, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू क्या करोगे, जीरो। तो जब इसको आप जीरो करोगे तो इससे आपको वैल्यू मिलती है लैम्डा की, कर देते हैं, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा। तो 4 इंटू देखना कितना आ रहा है, 16 दूना 32 और 49 कितना होगा 81 आ गया, प्लस 20 और 41 ठीक है ना। तो 81 मतलब लैम्डा आ गया माइनस के वन, ये लो सिंपल हो गया। लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको पी थ्री पी मिल जाएगा कितना, इसमें पुट करो ज़्यादा बेटर है, 4 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 4 वाई, ठीक है ना, माइनस के 6 जेड प्लस लैम्डा माइनस वन पे प्लस हो गया ना, तो 5 और 1 6 8 106। तो देन जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, एक्स माइनस 4 वाई प्लस 6 जेड माइनस के 106 इक्वल टू जीरो। इस पी थ्री प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस आपको गिवन है रूट के, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या लगोगे, 0 0 पुट करो तो 106 का मोड अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर सी स्क्वायर, तो 36 और 16 52 पर रूट 53 आ जाएगा, और रूट 53 क्या होगा, ये 2 इंटू 53 है, तो 253 आ गया है 2 रूट, और रूट को अंदर ले जाओ 4 3 12 1 20 और 1 21, ये आ गया 212। तो के आपका 212 है, तो के माइनस 200 कितना जाएगा, 12 आंसर आपको इसका फिल करना, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, चलो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेट एन वन लेस देन एन टू लेस देन एन थ्री लेस देन, ये एक रिलेशन गिवन है आपको, वी पॉजिटिव इंटीगल, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीगल है, सच देट एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर प्लस एन फाइव आपको 20 गिवन है, देन नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव, तो इसके टोटल कितने ऑर्डर्ड हो सकते हैं बताना है। तो देखो कुछ नहीं, वो सिंपल सी बात ये, और ये शायद क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सीधा आप विदाउट सिंप्लीफाई कर सकते हो, सीधा पुटिंग मेथड से कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड पेयर बनने वाले हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो लिमिटेड केस बनेंगे इसमें, ठीक है ना। और अगर आप तरीके से करोगे तो उससे भी हो जाएगा, बट ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो सीधा क्या करना है, देखो ब्लैक बोर्ड पे,
एन वन को वन लेट करो, इसको टू, इसको एक बड़ा तीन, ये चार, तो कितना गया, तीन और तीन छह, चार दस, तो ये आपका टेन आ जाएगा। हाँ है ना, दो और एक तीन, छह दस। अब क्या करो, इसको बढ़ाओ इसको घटाओ। एक बार वन टू थ्री को फिक्स किया आपने, तो वन टू थ्री को फिक्स किया तो ये फाइव है तो ये नाइन आ गया, ये सिक्स है तो ये एट आ गया, और ये सेवन है तो ये सेवन, तो ये तो गलत हो गया ना। अपन को तो एन फाइव को एन फोर से बढ़ा लेना है, तो तीन पेड़ तो आपके ये आ चुके। ये ऐसे करना था एग्जाम क्वेश्चन फटाफट होने के लिए। अब क्या करना है, अभी आपने क्या किया, इस वन टू थ्री को तो रखा फिक्स, एक सेकंड सॉरी, आपने वन टू थ्री को तो फिक्स किया, आपने इसको वेरी करा है। अब क्या करना है, अब अपन थ्री एन थ्री को भी वेरी कराते हैं। देखो आपने वन टू फिक्स किया, इसको सबसे पहले फोर मान लो और इसको फाइव मान लेते हैं, तो दो और एक तीन और चार सात और पाँच बारह और आठ बीस। अब ये करने के बाद दोबारा वेरी करो इनको, तो ये छः तो ये सात, अब तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, अब इसके बाद नहीं ले सकता। मतलब आपने एन थ्री को वेरी किया, पहले थ्री रखा फिर फोर, अब अगर इसको गलती से मैंने फाइव कर दिया तो क्या हुआ, ये टोटल दो आंसर और आ चुके हैं, ठीक है ना। अगर बाई चांस आपने इसको फाइव कर दिया तो इसको मिनिमम छः लोगे ना, दो और एक तीन सॉरी एक और दो तीन और पाँच आठ और चौदह और छः बीस, नहीं मज़ा नहीं आया, ये तो गड़बड़ा। मतलब एन थ्री को थ्री या फोर ले सकते हैं। अब इसके बाद वेरी कराते हैं अपन एन टू को, तो चलो एन टू को मैंने लिया थ्री, इसको चार, चार तीन सात और एक आठ और पाँच तेरह और सात बीस, यस सर। अब आपको सोचो क्या मैं इसको छः ले सकता हूँ क्या, नहीं, इसको बढ़ा दिया तो फिर ये कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक ही पेयर बनेगा जब आपने एन टू को वेरी कराया थ्री के लिए, मतलब इसको थ्री ले सकता हूँ मैं, फोर लेने पे तो दोबारा मामला गड़बड़ जाएगा। लेके देख लो अगर आपकी स्विच हो तो चार पाँच छः दस सोलह, तो चार लेना पड़ेगा ना, तो गलत हो गया, हटाओ। और अब अपन वेरी कराते हैं एन वन को, इतने केस बनेंगे, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े के लिए नहीं देगा वो, अगर ग्रेटर के लिए दे दिया तो फिर लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन, उसमें आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि एन टू इक्वल टू एन वन प्लस एक्स टू, तो फिर वो बात वही पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा मामला पड़ेगा, वो केस बनेंगे, क्योंकि ये लिखने के बाद भी इसके सारे के सारे कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे एन वन एन टू एन थ्री के, तो अपन को टेबल से ही करना पड़ेगा उसको। और एक लास्ट पेयर और बनेगा शायद, दो ले लो फिर तीन फिर चार फिर पाँच, तो देखो पाँच पाँच दस चौदह और छः बीस, और अब आप देखो ये ऑलरेडी ऑर्डर में आ गया, तो अब किसको छोटा बड़ा करोगे, तो टोटल तीन दो पाँच और एक छः और एक सात, तो टोटल सेवन अरेंजमेंट हो सकते हैं एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव के, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर इज, देखो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बढ़ गया, चलो एक काम करो उसको हटा देते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन फोर में क्या बोला गया है, ए स्टूडेंट कम टू सी एल सी बाय ऑटो स्कूटर बाइसाइकिल विद प्रोबेबिलिटी दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ठीक है। चलो मतलब एक स्टूडेंट की सी एल सी आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है ऑटो से स्कूटर से और बाइसाइकिल से, लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ऑटो, ये कितनी है वन बाई सेवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर कितना है टू बाय सेवन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइसाइकिल कितना है थ्री बाय सेवन, तो बाकी बचा कुचा कौन होगा, वो पैदल आएगा और क्या है, तो तीन दो पाँच और एक छः, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा लिखोगे फुट, पैदल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाय सेवन, ये तो दे रखी है उसने। फिर क्या बोला गया कि चलो आगे बढ़ते हैं, ए स्टूडेंट हु डज नॉट कम आइदर बाय ऑटो स्कूटर और साइकिल ही कम ऑन फुट, मतलब वो स्कूटर से ऑटो और साइकिल से नहीं आता है, वो पैदल आता है, तो प्रायोरिटी दैट ही कम्स लेट टू सी एल सी, तो वो सी एल सी में लेट पहुंचता है अगर वो पैदल आता है, तो पता नहीं क्यों। इफ ही कम्स बाय ऑटो स्कूटर बाइसाइकिल और फुट इज दिस पार्ट रेस्पेक्टली, मतलब गिवन दैट ही रीच सी एल सी इन टाइम, मतलब इसका मीनिंग ये है क्वेश्चन का
ये तो उस पर्सन की ऑटो से आने की प्रायोरिटी है, ये स्कूटर से, ये बाइसिकल से, फुट से आने की प्रायोरिटी है। फिर बाद में बोला गया अगर वो ऑटो से आता है तो उसके सही टाइम पे पहुंचने की प्रायोरिटी के बने 2x11, 4x11, 1x11 और 1x11, ये मीनिंग है इसका। मेरी बात समझ में आ गई सबको? शायद क्वेश्चन ने बोला गया ना कि प्रायोरिटी दैट ही कम्स लेट लेट टू सीएलसी, अगर वो उनसे नहीं आता है तो बोले अगर वो ऑटो स्कूटर और बाइसिकल से नहीं आता, वो पैदल आता है तो वो लेट हो जाता है। फिर क्या बोला गया, इफ ही कम्स बाय ऑटो, अगर वो ऑटो से आता है और गिविन दैट ही रीच सीएलसी इन टाइम, अगर वो ऑटो से आता है तो उसके सही टाइम पे पहुंचने की प्रायोरिटी सबकी गिवन है, चारों की चारों की। तो इफ दी प्रॉपर्टी दैट ही कम्स ऑन फुट, तो यदि वो पैदल आता है तो उसकी प्रॉपर्टी ए अपॉन बी है, तो बताओ ए प्लस बी का सम क्या होगा। मतलब इस रामायण का सीधा सीधा मीनिंग है कि एक पर्सन या एक स्टूडेंट को सीएलसी जाना है तो उसके पास चार ऑप्शन है, ऑटो स्कूटर बाइसिकल फुट। ऑटो से जाता है तो 1x7, 2x7, 3x7, 1x7। अगर वो ऑटो से जाता है तो उसके सीएलसी पहुंचने की प्रायोरिटी आपको गिवन है, लिख देते हैं पी ऑटो इंटरसेक्शन टाइम। मतलब अगर वो ऑटो से आता है तो उसके टाइम पे पहुंचने की प्रायोरिटी गिवन है 2x11, ऐसे समझोगे आप। उसके बाद प्रायोरिटी एससी इंटरसेक्शन टाइम, अगर वो स्कूटर से आता है तो उसके टाइम पे पहुंचने की प्रायोरिटी 4x11। प्रायोरिटी ऑफ बाइसिकल इंटरसेक्शन टाइम, ये गिवन है कितनी, 1x11। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फुट इंटरसेक्शन टाइम, यदि वो पैदल आता है तो भी इसके टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1x11। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वो सीएलसी टाइम पे पहुंचता है तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स ऑन फुट, वो टाइम पे पहुंच गया तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पैदल आया होगा। तो कुछ नहीं है, इसका सैंपल स्पेस तो क्या होगा, वैसे एक क्वेश्चन है आपका बेस थ्योरम का, मैं इसको सीधा एस और एफ से बता देता हूं। सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है, उसको सीएलसी आना है और टाइम पे पहुंचना है, बस खत्म। वो कैसे भी पहुंचे, सैंपल स्पेस का मीनिंग क्या है, एक पर्सन को सीएलसी आना है, अब वो किसी से भी आए और बस टाइम पे पहुंचना है। और फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है, जिसकी प्रायोरिटी पूछी गई, प्रायोरिटी किसकी पूछी है कि वो सीएलसी तो आया है, टाइम पे भी आया है, लेकिन वो फुट से आया है, पैदल आया है, तो उसकी प्रायोरिटी बताओ क्या होगी। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ऑटो से आए और टाइम पे पहुंचे तो 1x7 × 2x11 प्लस 2x7 × 4x11 प्लस, अरे कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, 3x7 × 1x11 और लास्ट टेंगे 1x7 × 1x11। ये तो आ गया फेवरेबल केस, सिंपल स्पेस सॉरी। और फेवरेबल केस क्या होगा कि वो आपका पैदल आया हो, तो पैदल आने की प्रॉबर्टी 1x7 × 1x11। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस अपॉन सिंपल स्पेस। तो सिंपल सी बात सुनो, सबका एलसीएम तो सेम है ना, तो एलसीएम सेम लोग, तो ऊपर तो आ गया 1 × 1, 1 ऊपर, नीचे क्या आ गया 2 + 8 + 3 + 1, तो कितना आ रहा देखना, 1/8 × 3 = 11 = 12 = 14, 1/14 आ गया मेरे अकॉर्डिंग। तो अब क्या चाहता है, इसमें तो गड़बड़ी कर दी, अरे उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसने लिखा है कि अगर वो प्रॉबर्टी दैट ही कम्स लेट एट सीएलसी हिट, इफ ही कम्स बाय ऑटो, मतलब वो लेट पहुंचता है तो ऑटो से पहुंचता है तो उसके लेट होने की प्रॉबर्टी दे रखी, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। इसमें ये बोला गया है अगर वो ऑटो से गया तो उसकी प्रॉबर्टी 1/7 है, और ऑटो से जाता है तो उसके लेट होने की प्रॉबर्टी 2/11 है, तो टाइम पे पहुंचने की 1 माइनस कर दो, इसको साफ कर देना, कोई बात नहीं, दोबारा कौन लिखेगा, इसको कर देते हैं, ये आ जाएगा। तो देन अब कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, ये क्या आएगा, कर देते हैं दोबारा, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये भी 10 और ये भी 10, तो 1 × 10 आ गया ना, तो ऊपर तो आ गया 10 और अपॉन में क्या आ गया, देखो 9 14
थर्टी प्लस टेन, तो क्या होगा, टेन अपन देखना रे, तीस चालीस पचास तिरसठ आ गया लो, ये आ गया टेन अपॉन सिक्सटी थ्री, तो इसका ए प्लस बी आ जाएगा सेवेंटी थ्री। ठीक है चलो, और उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, ए फेयर कोन इज टॉस्ड अंटिल ए हेड और फाइव टेल अकर्स, मतलब एक कोन को कब तक अपन को टॉस करना है, या तो उस पर हेड आ जाए या पांच बार टेल आ जाए, दिस और दिस, इफ द प्रॉपर्टी दैट द कॉइन इज टॉस्ड फॉर ए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर पी वाई क्यू इन द लोएस्ट फॉर्म देन पी प्लस क्यू, मतलब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है मेरे अकॉर्डिंग, एक कॉइन को आपको कितनी बार, एक कॉइन को आपको टॉस करना है, अब कितनी बार करना है, उसने बोला कि इसको मैक्सिमम टाइम टॉस कर सकते हो आप, और टॉस करने पे हेड आ गया तो जाके रुक जाओ, या पांच बार टेल आ गया तो जाके रुक जाओ, हाँ है ना, हेड और फाइव टेल्स अकर, तो सुनो मेरी बात, पहली बार हेड आ गया रुक गया आप जाके, पहली बार टेल आ गया दूसरी बार हेड आ गया जाके रुक जाओगे आप, ऐसे ही प्रोग्रामिंग चलती रहेगी। आपने अगर कॉइन को सिक्स टाइम टॉस किया, मैक्सिमम टाइम टॉस करो, उस केस में बताओ उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो जब आपको पता है मैक्सिमम आपको फाइव टेल लाने हैं, भाई एक बार बताओ छह बार टॉस किया और लगातार पांच बार आपके कौन आ जाते हैं, बोलो हेड आ जाते हैं टेल, तो कंटिन्यूस अगर फाइव टाइम्स टेल आ जाएंगे तो क्या उसको सिक्स टाइम टॉस करोगे कि नहीं, फाइव टाइम्स टेल आने के बाद आप रुक जाओगे। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे एक काम करो दो बार टेल ले लो एक बार हेड, तो बेटा दो बार टेल आ गया तीसरी बार हेड आ गया फिर भी जाके रुक जाओगे आप, क्योंकि हेड आने के बाद रुकना है, तो या तो एक बार हेड आए या कंटिन्यूस फाइव टाइम आपका टेल आए तो आपको जाके रुक जाना है, समझे, तो इसका मीनिंग आप मैक्सिमम कॉइन को फाइव टाइम ही टॉस कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड था कि मैक्सिमम, क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड दी प्रॉपर्टी दैट कॉइन इट टॉस्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैक्सिमम आप फाइव टाइम्स को टॉस कर सकते हो, तो उसमें केवल दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो पांचों के पांचों टेल आए तो कोई दिक्कत नहीं, या स्टार्टिंग में चार टेल और लास्ट का हेड हो, क्योंकि हेड को अगर पहले ले लिया अपन को फिक्स हो गया कि कॉइन को पांच बार टॉस करना है, बस मैक्सिमम पांच बार टॉस कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग के चार टेल हो और लास्ट का हेड आ गया तो भी अपना काम हो जाएगा, तो सबकी वैल्यू सेम होगी ना, वन बाई टू की पावर फाइव, और ये भी क्या होगा वन बाई टू की पावर फाइव, एक बटे बत्तीस प्लस एक बटे बत्तीस दो बटे बत्तीस, तो क्या आ गया वन बाय सिक्सटीन, तो देन क्या बोलोगे ए प्लस बी आ जाएगा 17, तो इसका आंसर फिल करना है ए प्लस बी इक्वल टू 17, ठीक है ना, इस तरीके से करना है, ठीक है बेटा, तो चलो ये पेपर फिनिश हो चुका है, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें अपन बात करेंगे जेईई एडवांस के पेपर की, ठीक है बेटा, चलो जाओ।